हाय फ्रेंड्स, आज हम पार्ट फोर ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर सीरीज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों का तीन पार्ट्स हो चुका है, आज हम कुछ नया क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसी क्वेश्चंस के रिलेटेड हर एक कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज सुहित साई। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एक जियोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक पिक्चर है, उसी पिक्चर में हम क्या करना है, हमें ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। ठीक, अब डाटा को पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा ADB BAC 90 डिग्री है। ADB मतलब ये एंगल, BAC मतलब BAC ये वाला एंगल। अच्छा, AD 3 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं AD 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक, BD 4 सेंटीमीटर है, BD यहाँ पे लिख लेते हैं, BD हमारा 4 सेंटीमीटर है, BC 13 है, यहाँ पे लिख लो BC 13 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो डॉटेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया हमें निकालना है। सिंपल, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसी में से ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है उसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर, क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल है उसी का एरिया निकाल के ये छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में एक एक 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे ADB में ये 90 डिग्री है, ओके, एंड अगर बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे BAC 90 डिग्री है ये वाला एंगल। ध्यान रखना ये 90 डिग्री इस एंगल मतलब ए की बात कर रहा है, ये छोटे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है। क्लियर, क्योंकि एक छोटे ट्रायंगल में दो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल बना के उसका प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ताकि ये समझने में आसान हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये उसका 90 डिग्री है, इसके सामने जो रहता है हम उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ओके। ये हो जाता है उसका बेस, तो ये हो जाएगा उसका हाइट। ध्यान रखना अगर तुम इसको बेस मानोगी तो फिर इसको हाइट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेस हो सकता है, ये हाइट हो सकता है, ओके, एंड ये हाइट, ये बेस जो मैंने लिखा है ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये हाइट को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस को बी कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच कहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये एच का वैल्यू क्या होता है, एच का वैल्यू होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या अंडर रूट करने से हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है, या फिर हम इसको अगर सीधा बोलेंगे एच स्क्वायर होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इस सेम ट्रायंगल में अगर एरिया की बात करूँगा मैं, किसकी एरिया की, ये हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस के साथ हाइट के हाइट को इंटू करने से हमें एरिया मिल जाएगा। इतना डाटा हमें यहाँ पे यूज करना है एंड ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना सारा डाटा मिल गया, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका हर एक डाटा मुझे पता है, बेस भी पता है, हाइट भी पता है, क्योंकि राइट एंगल से जो सामना होता है मतलब जो उसके सामने होता है, इसका सामने ये हाइपोटेन्यूज है, एंड एरिया पाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस एंड हाइट चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे लिए बेस, ये हो सकता है हाइट, अगर इसको बेस मानूंगा ये हाइट होगा, कोई इशू नहीं। निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB मतलब छोटा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB पाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस होगा 3, हाइट होगा 4। ठीक, हाफ बेस इनटू हाइट करते हैं, बेस हमारा होता है 4 करता हूँ मैं, हाइट को 3 करता हूँ, ओके, विच इक्वल्स टू 2 जा 4,
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो छोटे ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया 6। अब क्या करना है, बड़े का एरिया निकालना है। तो बड़े ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए ना तो हमें बेस पता है ना हाइट पता है। क्यों? इसका 90 डिग्री और अगर ए है तो ए के सामने जो है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज के साथ हमें कोई काम नहीं है। काम किसके साथ है? बेस एंड हाइट के साथ है। अगर ये बेस होगा तो ए बी हो जाएगा हाइट, इसी बेस होने से ए बी हाइट हो जाएगा, ठीक है, या फिर ए बी बेस होने से ऐसी हाइट हो जाएगा। तो जैसे आपको सही लगता है वैसे आराम से कर सकते। अगर मुझे ए बी चाहिए, क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी पाने के लिए मैं ये जो छोटा ट्रायंगल है ए डी बी इसका हेल्प ले सकता हूँ। कैसे? ये स्मॉल ट्रायंगल के लिए ए डी बी के लिए ये होता है 90 डिग्री, उसके सामने जो होगा 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका हाइपोटेन्यूज पाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 9, 16, 25, 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा, क्या ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर हो गया तो फिर एसी कैसे मिलेगा? एसी पाने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से ये वाला साइड का स्क्वायर जो है उसी को माइनस कर देंगे, ठीक। यहाँ पे डिटेल से करते हैं। एसी पाने के लिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एसी इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से हमने क्या किया, एक बेस का स्क्वायर को माइनस कर दिया। तो बीसी हमारा कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस एबी आया 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, ये हो जाता है 144, ठीक। 169 से 25 माइनस करेंगे तो 144 और हमें मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे लिए 12 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल ए बी सी उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे? एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू ए सी करता हूँ, हाफ ए बी कितना है, ए बी इज 5, ए सी कितना 12, काट लो 2 6 5 6 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ओके। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का 30, छोटा का 6, ये पूरा ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज 30, ये छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना 6। तो सैडेड रीजन के एरिया पाने के लिए, किसके एरिया, सैडेड रीजन की एरिया पाने के लिए क्या करेंगे हम, 30 से 6 माइनस कर देते हैं, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया? बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया हमने निकाला दैट इज 30, छोटे ट्रायंगल के एरिया 6 था, 30 माइनस 6 हो गया 24, आ गया हमारा पहला आंसर, ठीक। नेक्स्ट इज पी ऑफ एक्स का वैल्यू एक पॉलीनोमियल है, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन है, एंड हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? फैक्टर थ्योरम। इफ जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है, ठीक, एफ ऑफ एक्स लिखा है इसको एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, ठीक है। अगर फैक्टर बोला है इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। अगर फैक्टर बोला है तो रिमाइंडर जीरो होगा। तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर ये जो एक्स का वैल्यू निकलेगा ये लगा देंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो फिर जी ऑफ एक्स हमारा कितना था,
x माइनस वन, मैं क्या करूँगा x माइनस वन को जीरो के बराबर करता हूँ, x आ जाएगा वन, ठीक है। x कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, हाँ या नहीं। तो x की वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को मतलब वन को ये फंक्शन में लगा देंगे, ठीक। तो f ऑफ वन जो होगा दैट इज जीरो के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि g ऑफ x क्या है, इस फंक्शन का एक फैक्टर है, ठीक। तो x का वैल्यू जितना आएगा मतलब वन आया, f ऑफ वन लगाने से ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, x टू द पावर सिक्स मतलब वन टू द पावर सिक्स, वन टू द पावर फाइव, सॉरी प्लस वन टू द पावर फोर, माइनस वन टू द पावर थ्री, प्लस वन टू द पावर टू, माइनस ए इंटू वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये था हमारा पॉलिनोमियल, हमने लगा दिया एफ ऑफ वन एंड इक्वल्स टू क्या कर लिया, जीरो कर लिया, ठीक। वन टू द पावर सिक्स होता है हमारा वन, माइनस ये भी वन, ए इंटू वन कितना होगा, ए होगा, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ए इंटू वन वन मत करना, नहीं तो ए नहीं मिलेगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, कैंसिल कैंसिल, अब कैंसिल नहीं होगा, वन प्लस वन टू, माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज माइनस ए को उस तरफ ले जाता हूँ, जीरो प्लस ए हो जाएगा ए। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत बहुत इजी था, क्यों, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स जी एक्स सिर्फ वन की पावर दिया था, इसलिए चुटकी से आंसर निकल गई, ए का वैल्यू कितना होगा, टू होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू सेवेंटीन, क्या निकालना है हमें, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है, ठीक। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कौन सी फार्मूला के अंदर आता है, कौन सी फार्मूला के अंदर आता है, हमें पता है जो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इसके साथ रिलेटेड है, कैसे, ये जो दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, एक्स है, बी का वैल्यू कितना है, वन बाई एक्स है। अगर ठीक से देखोगे तो क्या बोला मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब मतलब बी का वैल्यू कितना बोला मैंने, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा, ए के बदले एक्स लगा दो एक्स क्यूब, बी के बदले वन बाई एक्स लगा दो वन बाई एक्स का क्यूब, एक्सक्यूज मी, वन बाई एक्स क्यूब होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, वही पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूला से अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस थ्री बी माइनस बी, उसको मैं साइड चेंज करा दूंगा, कैसे देखो, ये हिस्सा मैं क्या करता हूँ, साइड चेंज करा देता हूँ, मतलब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू, क्लियर। अब अगर हमें एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू चाहिए या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, तो मुझे ए माइनस बी पता होना चाहिए एंड ए बी पता होना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पे मुझे ए माइनस बी ही पता है,
ए बी पता है, ए बी पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ये ए बी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कैसे? हम सीधा क्या करते हैं, वैल्यू लगाते हैं। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा वैल्यू लगाता हूँ। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, मतलब मैंने क्या लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल क्यूब। ए का वैल्यू हमारा x है, माइनस बी का वैल्यू वन बाई एक्स है, प्लस थ्री ए बी। थ्री ए हमारा कितना, x, b कितना, वन बाई एक्स। थ्री ए बी का काम ख़त्म। अब अगेन a माइनस बी, ए मतलब x, b मतलब वन बाई एक्स हो गई। अब ध्यान से अगर देखोगी, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 70, प्लस ये भाई साहब कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 इंटू वन हो जाएगा 3। अगेन x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 17 है, तो आगे आराम से आंसर निकल जाएगी। हमें पता है जो 17 होता है, 17 का क्यूब कितना होता है, 4913, प्लस 17 3 जा 51, दोनों को ऐड कर लो, आंसर निकल जाएगी। तो ये स्टेप आप आराम से निकाल देना, ये मुझे नहीं करना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीडियन ऑफ द डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25। ये एक डाटा है, इसका जो मीडियन है क्या है, मीडियन है दैट इज 25। मीडियन कितना, 25। अब x का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे जो x है, x कितना होगा अगर मीडियन इसका 25 है। पहली बात ये है, जब हम मीडियन की बात करते हैं, मीडियन होता है क्या है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म। यहाँ पे अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, तो इसका मिडिल टर्म जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 10 है, तो मिडिल मोस्ट टर्म कैसे आएगा, मिडिल मोस्ट टर्म कहता है n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म का वैल्यू को ऐड करेंगे, बाय 2 करने से हमें मिडिल मोस्ट टर्म मिलेगा। ओके, n बाय 2 मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना, 10, 10 बाय 2, 10 बाय 2 मतलब ये बोल रहा है 5th टर्म, 10 बाय 2 5th टर्म प्लस में 10 बाय 2 मतलब 5th प्लस 1 6th टर्म, बाय 2 करोगे। ठीक, ये हमें क्या मिलेगा, मीडियन का फार्मूला होता है, अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो। ठीक है, तो 5th टर्म क्या है हमारा, 1 2 3 4 5, मतलब ये 6th टर्म क्या है, उसके बाद वाला। ये दोनों को ऐड करके बाय 2 करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। कर लो ऐड, ठीक है, x प्लस x होता है 2x, 2 प्लस 4 होता है 6, बाय 2। ठीक है, एंड हमें मीडियन का वैल्यू पता है कितना, 25, तो इसका वैल्यू मैं क्या करूँगा, 25 के बराबर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं तो लिख देता हूँ मीडियन के बदले 25, ये आ गया कितना, 2x प्लस 6 बाय 2। दिस इम्प्लाइज ये 2 इसके साथ इंटू कर देता हूँ, इक्वल्स टू 2x प्लस 6 है। दिस इम्प्लाइज 50 2x प्लस 6 है। अब 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 50 माइनस 6 इक्वल्स टू 2x, तो 50 माइनस 6 कितना होता है, 44 होता है, 44 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 44 बाय 2 हो जाएगा 22, तो x का वैल्यू 22 हो गया। ये हो गया पूरा प्रोसेस के साथ। अगर मैं प्रोसेस मुझे याद नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल 10 टर्म्स है, अगर मैं इसका मिडिल मोस्ट टर्म मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे चार टर्म हटाया, यहाँ पे चार टर्म हटा दिया, तो बीच में कौन आ जाता है, दो टर्म आ जाता है। ठीक, तो ये दोनों मिडिल में आते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उस टाइम मिडिल में दो टर्म्स आएंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल में एक ही टर्म आता है। तो यहाँ पे हमारा एन कितना था, 10 था, 10 मतलब ये इवन होता है, अगर इवन है तो मिडिल में दो प्लेस आएगा, दो प्लेस मतलब पहला का चार हटाओ लास्ट का चार हटाओ, बीच में दो प्लेस आएगा। तो ये दोनों वैल्यू को ऐड करके बाय टू करेंगे तो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म आ गया। तो वही किया हमने, x प्लस टू प्लस x फोर बाई टू किया, x प्लस एक्स टू एक्स प्लस सिक्स बाई टू किया था। तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू हमें कितना मिला, x का वैल्यू मिल गया 22। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। बोल रहा है द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 30, 100 आइटम्स का मीन कितना था, 30 था, एंड दो आइटम गलती से क्या किया, रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। तो मीन था 100 आइटम्स का, मीन ऑफ 100 आइटम्स कितना, 30। यहाँ पे गलतियाँ हुआ है, 32 एंड 12 किसके बदले 23 एंड 11 है रियल, ये 32 एंड 12 गलती से ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, सही मीन निकालने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड द करेक्ट मीन। तो मीन जो होता है, पहले मीन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, लिख लो मीन के बदले 30। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं, तो सम को मैंने सम लिख दिया वैसे ही। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, कितने नंबर ऑफ, 100 आइटम्स, मतलब समझ में आया, मीन दिया था 30, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे चाहिए या फिर मुझे नहीं पता है, तो सम को सम लिख लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ आइटम्स था कितना, 100, तो नंबर ऑफ आइटम्स के बदले मैंने 100 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, सम इक्वल्स टू 13 into 100, एक दो तीन, तीन जीरो लगा दो, तो 3000 होता है हमारा सम ऑफ आइटम्स जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो इस सम ऑफ आइटम्स 3000 में दो नंबर गलती से लिखा था हमने, 32 एंड 12, जिसको गलती से लिखा था उसी को माइनस कर देंगे, जो सही था उसको प्लस कर देंगे। कैसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3000 से दो नंबर को माइनस करूँगा, किसको माइनस करूँगा, 32 एंड 12 को, जो सही नंबर है ये वैल्यू से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक ही साथ ऐड कर लेता हूँ, 23 एंड 11। ठीक, तो ये जो वैल्यू आएगा ये होगा ओरिजिनल सम ऑफ आवर 100 आइटम्स, हमारे जो 100 आइटम्स होगा उसका ओरिजिनल सम कितना होगा। अब ये जो निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि 32 को हमें माइनस करना था ये दोनों को, ये हमारा सही था। ओके, 3000 माइनस 32 प्लस 23, ये हो जाएगा हमारे लिए माइनस 9। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10, 2990, ये आप लोगों के काम है। तो अब हमारा सम जो आया 100 आइटम्स का, दैट इज़ 2990, ये मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, ठीक है, तो ये बच्चों वाली काम है, ये खुद कर लेना, 3000 से ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2990। ओके, अब अगर हमारा सम ऑफ 100 आइटम्स कितना आया, कितना आया, ये फेक था, ये आया ओरिजिनल, मतलब 2990। अब हमें नया मीन कैसे मिलेगा, नया मीन पाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ आइटम्स लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आइटम्स दिया था, बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ आइटम्स हमारा है 2990, नंबर ऑफ आइटम्स है 100, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, 00 काट लो, 29.9 विल बी आवर न्यू मीन या फिर
विल बी आवर करेक्ट मीन, ठीक है। तो 29.9 हमारा हो जाएगा करेक्ट मीन। तो आज हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन किया। होप क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।